ने मेरी जुल्फिकार का वारिस कर दिया। यानी जुल्फिकार का वारिस क्यों मांग रहे हैं? कहा मोहम्मद का हाफिज मैं था, हुसैन अपने वक्त का मोहम्मद है। मुश्किल आएगी तो सहली की जरूरत पड़ेगी, मैं रहूंगा नहीं। लेकिन अब्बास जो मेरे जुल्फिकार का वारिस हो सकता है, वो अपने वक्त के मोहम्मद के लिए अली चार शहान पाया मेरे मौला। अच्छा काम क्या हुआ, ये चार का आदर मौला की जिंदगी में बड़ा असर है, चार का बड़ा असर है। दुनिया में आया चार शबान थी, नाम लिखो तो हर्ष चार, भाइयों में नंबर चौथा था, कुल चार जंगे लड़ा, चार दफा हुसैन ने रोका, चार हथियार इस्तेमाल किए, शहीद हो गया। तो शहीद होने के बाद जैसे उसके टुकड़े चार हुए, चार शबान को दुनिया में आया मेरा मामला। अगली बात सब खबर दी गई जो शिकार पवारिश आ गया था। अब आए मुकदसा जमीन के गोशे में रही थी, इस अंदाज में बेताबी शहरी मस्जिद से घर आ गया। घर आके हाथों पर उठाया, माँ ने शिकायत की कि आंखें नहीं खोली, कहा नहीं खोले, मेरा बेटा है। ये मौला फिर क्यों नहीं खोली? कहा मैंने भी नहीं खोली थी जब तक मोहम्मद नहीं देखा। मौला कैसे खोलेगा? कहा बुलाओ हुसैन को। हुसैन आए, अली को, अली ने अब्बास को उठाया, हुसैन के हाथों में रख के कहते हुसैन बाप की तरफ से तोहफा कबूल कर। ये है अब्बास। अब जिस चीज की आस है किसी को क्या बताऊं? आज भी हमारी माओ बहनों बेटियों को जब पूछो जाके, बहनों से पूछना माओ से, जब भी कोई मुश्किल आती थी कुछ नहीं बन पड़ता, लाजी आलम थाम लेते, माला मेरा बाबा परेशान है, माला मेरा भाई परेशान है। अब जाके सोचना जो 1400 साल बाद भी हमारी माओ बहनों बेटियों का इतना बड़ा आसरा हो, कितना बड़ा आसरा होगा वो अली की बेटी का, कितने मान होंगे जैनब आलिया को। सब दो साल का पास हो आलिया उसे उंगली पकड़ के अब्बास के शहर में चल रही है। अब जब मंजर अली ने देखा तो फौरन पूछा, बेटा अब्बास को चलना सिखा रही हो? अल्लाह जाने किस अंदाज में अली की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, आज से अब्बास के सहारे चलना सीख रही, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मसाइल में सिर्फ पड़े जा सकते, जाबो तस्ती मेरे पास कोई नहीं। लेकिन ये वो अब्बास है, कभी इमाम जमाना से पूछो इसका मरतबा। इमाम जमाना फरमाते जब इसके मसाइल थे तो सारे मेरे जद्दे अमजद मेरी ड्यूटी लगाते, जहां भी पड़े जाए तनावे खींच वहां जा, और जो मोमेंट धाड़े मार के रोता है अब्बास का फजाइल मसाइल सुन के, फजाइल सुन के खुश होता, उस मोमेंट के करीब बैठा, उसके दिल में जो दुआ होगी उसे लिख के उसने शहादत के साथ किया। और माता है मलाइका को इमाम जमाना हुक्म दे के कहते हैं, अभी ये मजलिस से उठने न पाए, इसकी आस पूरी करो। ये वो अब्बास, पूछो वाला सज्जाद से कौन है अब्बास? मदीने में आए मजलिस कराई, जाकिर ने मजलिस पढ़ते पढ़ते किसी बात पे जनाब अब्बास का झाम नहीं था, तेरा मेरा बीमार इमाम कलिया टेक चुकी हुई कमर के साथ कहा, सलाम अलैका या कमर बनी मसर। दूसरी दफा नाम लिया, फिर उठा, चार दफा जाकिर ने नाम लिया, चार दफा इमाम उठे, चौथी दफा जब उठे जाकिर पैरों के हाथ रखे, कहते कमजोरी है, नकाहत है, पैरों पे बन है, मैं बार 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 अब्बास का नाम लेता हूँ, अब बार बार क्यों उठते? इमाम फरमाते तुझे क्या पता अब्बास के मेरे खानदान पे एहसान कितने। मौला कैसे एहसान? कहा ये एहसान कम है कि दसवीं की रात अली की बेटी को कोई खौफ नहीं था। ये जो आज की रात है ना, ये वाली रात है, बीबी फिजा ने आगे कहा सारी मस्तूरात परेशान, सारी मस्तूरात परेशान। क्यों?
अभी भी सुबह कयामत का रंग पड़ने वाला है। अल्लाह क्या हो, हमारे सरों पे चादरें हैं, मर्द ना रहे तो क्या बनेगा। जलाल आया लेकिन बेटी अम्मा फिजा सारी मस्तूरात को इकट्ठा कर, इकट्ठा किया, खुतबा देकर अली की तरफ, अली की बेटी कहती खबरदार किसी की परेशानी में परेशानी में शिकल न देखो, मेरा पास आयाम के पहले खड़े शहर कह रही है तुम्हारे फर्दों में शामिल हो। लेकिन जब दसवीं का दिन आया और आलम ने हरकत की है ना, तो हुसैन ने कहा दुआ मांग अल्लाह अब्बास की खैर करे। इधर अब्बास का आलम झुका, उधर ज़ैनब आगे ने हर मजबूर से कहा अपनी अपनी चादरें मजबूती से थाम लो। इतना मान है अब्बास, ये है अब्बास जिसका आज अलम बरामद होगा। तेरी आस मेरी आस का नारा, अरे अली की बेटी की आस, हमारी आस अली की बेटी की, आले मोहम्मद की आस का नाम अब्बास। चार अदर है, मैं शहादत आपको अगर मार्फत की आप सुनी, देखिए जितना मुश्किल होता है उस दिन के लिए लड़ना, उससे ज्यादा मुश्किल होता है बहादुर के लिए जब्त करना। अब बहादुर का जब्त करना देखो, ये ही उसकी शहादत होती है कि जिसे दुआएं मांग के जुल्फिकार का वारिस बनाया, और जब जब जरूरत आए मौका आए उसी से कहा जाए जुल्फिकार ने आम मेरा का। ये है शहादत चली की, तलवार से शहीद होना जवानों के नक्शे में होता है, लेकिन जब्त करना मौके के ऊपर इसे शहादत कहते हैं। चार शहादतें सुनो अब्बास की, चार मौके हैं वो सुना तो मार। पहला 19 रमजान, अली को जंग लगी, माथे पे पट्टी, अली बिस्तर पे है, औलाद गिर है, कातिल पकड़ा गया, कब्जा जुल्फिकार के हाथ है अब्बास, और जलाल में खड़ा है कि अभी बाबा आप खोले अभी मुझे हुक्म देगा मैं इसका सर उड़ाऊंगा, इसने हमें परदेश में यतीम किया। कातिल के साथ सूखे हुए अब्बास पे के चेहरे पे अली का जलाल, अली की आंखें बंद, अब्बास इंतजार में है, कब्जा जुल्फिकार पे हाथ रखे कि अली आंख खोलेगा बस फिर मुझे इजाजत मिलेगी फिर इसका सर उड़ाऊंगा। अली की आंख का खुलना था, अब्बास चौकस होकर खड़ा हो गया, अली ने सारी औलाद के चेहरों को देखा, अब्बास के चेहरे पे अपना जलाल देखा, जब अपना जलाल खड़ा है। अब पास ने देखा जुल्फिकार को नियाम से बाहर किया,
ज़ुल्फ़िकार के लोग जमीन पर देख के सरदार पकड़ा हो नौ लाख लश्कर को लोग कहते तुम तो तुम तुम्हारे घोड़ों के कदमों से उड़ती हुई खाद पी रहा है मरने की इजाजत लड़ने के लिए मेरी तो मरने की इजाजत है। अच्छा
को भी पाल, काशिफ को भी पाल, आनो मोहम्मद को पाल, अब्बास को पालने वाली बीबी जान दरवाजे पे आए, इजाजत दे दे, हाथों को अपनी मामे से बांधा। अरब का दस्तूर है कि जब तुम बड़ी मुश्किल हो, जहां ये लगे कि सवाल अल्लाह जाने पूरा हो ना हो, वहां पे सलाह में जाया करो। इन्ना माँ की आयत बड़ी बड़ी बड़ी, अली की बेटी तड़प गई, अम्मा फिजा आवाज अब्बास की लगती है, ये सवाल ईमान के क्यों आया, इसे अंदर बोला, इससे कह अली की बेटी मौजूद है, अल्लाह ना करे मेरी जिंदगी में तुम्हें सवाल ही बनना पड़े। अब्बास भाई मैंने आया, जैसे तशहुद में नमाज ही बैठता है, वैसे दो नमाज ऐसे करके घुटनों के बाल बैठ गया। अब्बास क्या सवाल है, पाक आजादी मरने की इजाजत चाहिए, मरने का नाम आया, ज़ैनब ने मातम शुरू किया, मातम करके कभी कद सदकता अमीर उलमों में नहीं, कद सदकता अमीर उलमों में नहीं, काशी मेरा पापा सच कहता था, अब्बास के वादे क्या कहता था, दादू बहुत छोटा था, कभी कभी बाबा मेरे हुनर में मेरी कलाइयां चूमा करता था और कहता था ज़ैनब एक दिन तेरे हाथों में रस्सियां आएगी, लेकिन जब तेरी जवानी देखती थी मैं कहती थी किसकी जरूरत है, मां क्या है।